वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। टेलीस्कोप यानी दूरबीन एक ऐसा यंत्र होता है जिनका इस्तेमाल हम लोग दूर की वस्तु को देखने में करते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप को 2021 में नासा ने लॉन्च किया था और यह टेलीस्कोप धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। दूरबीन का इतिहास बहुत पुराना है। आज से 400 साल पहले 1609 ईस्वी में जब गैलीलियो ने दो लेंस को एक नली में रखकर पहला दूरबीन बनाया था तो यह घटना पूरे खगोल विज्ञान में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। गैलीलियो दुनिया का पहला इंसान बना जो अपनी दूरबीन की मदद से चांद की सतह पर मौजूद पर्वत को भी देख सका। इतना ही नहीं, वह सौरमंडल के सभी ग्रह को अपने दो लेंस वाले छोटे से टेलीस्कोप से देखने में सक्षम था। लेकिन आज का टेलीस्कोप गैलीलियो के टेलीस्कोप से करोड़ों गुना पावरफुल है। जेम्स वेब टेलीस्कोप सौरमंडल ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड पे नजर रखने में सक्षम है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में एक विशाल मिरर लगा हुआ है जो ब्रह्मांड में करोड़ों किलोमीटर दूर होने वाले घटना को कैप्चर करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, जेम्स वेब टेलीस्कोप स्टार गैलेक्सी और ग्रह के बारे में बहुत सारे डिटेल्स देने वाले हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल में कुछ इमेज भेजे हैं। फर्स्ट इमेज जो है वो है एक गैलेक्सी के समूह का जिसमें 3 से 4 गैलेक्सी को दिखाया गया है। यह गैलेक्सी धरती से 13.1 बिलियन लाइट ईयर दूर है। दूसरा इमेज में स्टार कैसे बनते हैं इनको दिखाया गया है। इसमें बहुत सारे यंग और बेबी स्टार मौजूद है। और तीसरा जो इमेज है ये एक डाइंग स्टार का है, यानी ये स्टार मर रहा है, इनकी एनर्जी अब खत्म हो चुका है। इनके बैकग्राउंड में जो आप चमकीले देख रहे हैं ये स्टार नहीं है, ये गैलेक्सी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो मेन मकसद है वो है सौरमंडल के बाहर ग्रहों का पता लगाना और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना।